हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योर सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस परफ्यूम रिव्यू। यस गाइस, आपको इस चैनल पे बहुत सारे परफ्यूम्स के रिव्यू देखने को मिल जाएंगे एंड आपको हमारा परफ्यूम रिव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिलता है एज वेल एज उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, आप ये वाला परफ्यूम का रिव्यू करिए, आप वो वाले परफ्यूम का रिव्यू करिए। मैं आपके सारे विशेस को पूरी करती हूँ इस चैनल पे। सो इसी कड़ी पे हम अगला परफ्यूम लेकर के आए हैं जो कि आप ही लोगों का डिमांड था। यस गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था मुझे विलन के ऊद परफ्यूम का रिव्यू करने का। तो इस चैनल पे विलन के ऊद परफ्यूम का फुल डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस भी इंजॉय कर सकते हैं एज वेल एज विलन के और सारे वेरियंट्स के रिव्यू भी हैं जिनका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे लास्ट में आपको वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बक बक ना करते हुए आपको मैं आज का परफ्यूम बता देती हूँ कि हम कौन से परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं। तो आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो अभी रीसेंट लॉन्च परफ्यूम है, मैक्सिमम जितना मुझे पता है वो 1 से 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। सो उस परफ्यूम का जो नेम है वो है विलन का द जोकर परफ्यूम। यस गाइस, ये एक लिमिटेड एडिशन है जो कि विलन ने लॉन्च किया है एंड इसका जो नेम है काफ़ी फंकी सा है, काफ़ी फनी सा है, द जोकर। आई डेंट थिंक सो कि कोई भी कंपनी ऐसे नाम के साथ अपना परफ्यूम लॉन्च करेगी, बट विलन ने डेयर किया है ऐसे नाम के साथ अपना परफ्यूम मार्केट में लॉन्च करने का। लाइक द जोकर बहुत ही फंकी एंड बहुत ही फनी है, दैट्स वे मैंने इसको परचेस किया कि क्यों ना इसकी स्मेल भी देखें, क्या ये एक फंकी एंड फनी काइंड ऑफ स्मेल वाला परफ्यूम है। अदर देन विलन के अदर वेरियंट की तरीके से भी ये एक मस्कुलाइन एंड स्पाइसी टच वाला ही फ्रेग्रेंस है जो कि विलन के बहुत सारे ब्रांड में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। सो बहुत बकबक हो गई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम इसके पैकेजिंग की बात करेंगे, तो कुछ इस टाइप से आपको पैकेजिंग मिलता है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जिसमें ग्रीन एंड पिंक कलर से कुछ जोकर काइंड ऑफ बनाया गया है जो कि जोकर कम एंड थोड़ा सा हॉरर काइंड ऑफ इमेज ज़्यादा लग रहा है, एज वेल एज इधर साइड आपको MFG प्राइस और भी इसमें फुल डिटेल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जार की, तो विलन के बाकी वेरियंट के जैसे ही इसमें आपको जार देखने को मिलेगा। तो ये आपको कांच का जार मिलता है, सो जब भी आप इसको यूज़ करें सेफली यूज़ करें एंड यहाँ अगेन आपको सेम वही जोकर वाला इमेज मिल जाता है, विलेन मिल जाता है एंड देन यहाँ पे परफ्यूम का टाइप एंड परफ्यूम की क्वांटिटी डिस्क्राइब की है, पीछे से ये पूरा प्लेन है। सो आपको जो बॉटल मिलता है वो 100 ml का बॉटल मिलता है। ये एक EDP परफ्यूम है जो कि बाकी परफ्यूम के अकॉर्डिंग लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसमें परफ्यूम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइक 20 से 25% तक इसमें परफ्यूम की क्वांटिटी होती है, दैट्स वे ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड इनकी फ्रेग्रेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। सो EDP परफ्यूम काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो ये एक EDP टाइप ऑफ परफ्यूम है। अब बात कर लेते हैं ये एक मैन परफ्यूम है, यूनिसेक्स परफ्यूम है या वुमेंस परफ्यूम है। सो विलन के जितने बाकी वेरियंट है उसकी तरह ये भी एक मैन परफ्यूम है। यस गाइज, आई डिडेंट थिंक सो कि विलन वुमेन परफ्यूम बनाता है, यदि विलन ब्रांड मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ मेक अ वुमेन परफ्यूम आल्सो, बिकॉज आपने मैंस परफ्यूम में बहुत सारी कैटेगरी लॉन्च कर दी, वुमेंस का अभी तक एक भी कैटेगरी लॉन्च नहीं किया है। सो ये एक मैंस परफ्यूम है, जिन लोगों को स्पेशली लड़कियों को वुमेंस परफ्यूम या फिर यूनिसेक्स परफ्यूम लगाना पसंद है उनको थोड़ा माइल्ड स्मेल पसंद है, बहुत हार्ड फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, तो अवॉइड दैट, क्योंकि ये मैन परफ्यूम्स हैं तो उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, डेफिनेटली हॉट होगा ही होगा, बाकी आगे के वीडियोज़ में आपको और ज़्यादा डिटेल तो मिल ही जाएगी। ये मेड इन इंडिया है, बहुत सारे लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये मेड इन इंडिया है या फिर फॉरेन कंट्री का है, तो ये मेड इन इंडिया है गाइस। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, जो कि परफ्यूम का मेन पार्ट्स होता है। मैं फ्रेग्रेंस की बात करने से पहले हमेशा की तरह रिचुअल्स पूरी कर लेती हूँ, जब भी मैं परफ्यूम्स की बात करती हूँ सबसे पहले मैं परफ्यूम्स को अप्लाई करना पसंद करती हूँ। ये जो परफ्यूम है आप इसको अपने डायरेक्ट बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एज वेल एज अपने क्लॉथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों के लिए सेफ है। सो ये जो परफ्यूम है गाइज वो मैंने 15 डेज पहले लिया था एंड 15 डेज से रेगुलरली मैं इस परफ्यूम को यूज कर रही हूँ। सो ये परफ्यूम मैंने अमेजोन से परचेज किया है, आप भी इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द जोकर वेरियंट की बात करूँ तो मुझे इसका फ्रेग्रेंस विलन के जितने सारे वेरियंट अभी तक मैंने ट्राई किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हटके लगा। यस,
लिटरली मुझे इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मिलन के बाकी ब्रांड की तरह ही इसका जो फ्रेग्रेंस होगा वो काफ़ी मस्कुलर एंड काफ़ी स्पाइसी टेस्ट में होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं होप ही कर रही थी कि मिलन लॉन्च करेगा थोड़ी सी फ्रेश वाला परफ्यूम, थोड़ा सा चिल परफ्यूम जो कि थोड़े से चिल मैंस या फिर वुमेंस के ऊपर सूट करे। तो इसका जो फ्रेग्रेंस है कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको फ्लॉबरिस एंड फ्रूटी टच के साथ स्मेल मिलती है जो कि आपको विलन के बाकी परफ्यूम्स में नहीं मिलेगा। आपको स्पाइसी एंड वुडी टच का परफ्यूम ज़्यादा तौर पे मिलता है विलन के बाकी वेरिएंट पे, बट इसमें अच्छी बात यही लगी कि इसका जो स्मेल है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है, काफ़ी फ्रूटी चिल रिफ्रेश स्मेल आती है इसमें। लाइक अभी समर का सीजन चल रहा है, समर के सीजन पे इस टाइप की स्मेल बहुत अच्छे लगते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी पे बहुत सूट करता है ऐसे रिफ्रेश एंड फ्रूटी स्मेल। सो अकॉर्डिंग टू मी ये डे टाइम परफ्यूम ज़्यादा है, नाइट टाइम परफ्यूम कम है। हालांकि कोई रूल्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप कभी भी कोई भी फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं, बस आपको पसंद आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके नोट्स की जो कि परफ्यूम्स लगाते ही आपको फील होगा। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं आपको जो फर्स्ट नोट आता है स्प्रे करने के बाद जो आपके नोज पे पहले हिट करेगी स्मेल फ्रेग्रेंस वो उस परफ्यूम का फर्स्ट नोट कहलाता है। फर्स्ट नोट में आपको काफ़ी अच्छा अरोमा की स्मेल आएगी। अरोमा जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस में से एक है। अरोमा की फ्रेग्रेंस हर किसी को पसंद आ जाती है क्योंकि ये काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी रिफ्रेश फ्रेग्रेंस देता है। सो आपको फर्स्ट नोट काफ़ी अच्छा मिलता है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं मिलता है। देन सेकेंड जो नोट्स होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल नोट, वो थोड़ा सा जैसे एक मिनट हुआ आपको परफ्यूम लगाए हुए और वो थोड़ा सा सेटल होना स्टार्ट करता है जब आपकी बॉडी एंड एटमॉस्फेयर के साथ, उस टाइम आपको कौन सी स्मेल हिट करती है आपके नोज पे। सो जो स्मेल आपको हिट करेगी वो आपको थोड़ा सा हेजलनट हनी एंड वुडी काइंड ऑफ स्मेल हिट करेगी, लाइक हल्का लिटिल बिट हल्का स्पाइसी टच है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वुडन टच है, वुड में सैंडलवुड में भी हल्का सा स्पाइसपन होता है। सो आपको फ्लावर एंड वुडनेस दोनों ब्लेंड होकर के एक स्मेल निकल के आती है, कुछ उस टाइप का स्मेल आपको आएगा जो आपको थोड़ा और कूल एंड थोड़ा और चिल करेगा। एंड जो लास्ट नोट है लाइक इन नोट जो निकल के आती है इस परफ्यूम की, जब 5 मिनट हो जाता है परफ्यूम को आपकी बॉडी एंड एटमॉस्फेयर के साथ परफ्यूम पूरी तरीके से घुल चुका होता है, पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका होता है, तो इसका लास्ट नोट निकल के आता है। सो इसका जो लास्ट नोट है गाइस अगेन फ्लॉबरिस एंड फ्रूटी टच में है, वो है जैस्मिन एंड ऑरेंज ब्लॉसम की स्मेल। यस गाइस, ऑरेंज ब्लॉसम एंड जैस्मिन को आपस में परफेक्टली ब्लेंड कर दिया जाए। आल्सो अरोमा और सैंडलवुड को हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ें जब आपस में ब्लेंड होकर के एक स्मेल इसकी निकलेगी, सो कुछ इस टाइप से इसकी लास्ट नोट निकल के आती है जब परफ्यूम आपकी बॉडी से पूरी तरीके से सेट हो जाता है। सो कुछ इस टाइप से इसका स्मेल है। ओवरऑल इस परफ्यूम की मैं स्मेल की बात करूँ लाइक शॉर्ट वर्ड्स में मैं बात करूँ तो इसकी स्मेल रिफ्रेशिंग है, फ्लॉबरिस एंड फ्रूटी टच में है जो कि सारी पर्सनालिटी पे सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी को चिल लुक देता है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। आप इस परफ्यूम को लगाने के बाद काफ़ी अच्छे हंसने खेलने वाले बंदे लगेंगे, ना कि डिसेंट छुप छुप वाला बंदा लगेगा। और डेफिनेटली ये लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई मैंस परफ्यूम लगाया है। तो इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, एज अ यूनिसेक्स परफ्यूम ये डेफिनेटली वर्क कर जाएगा। आप डेट नाइट वगैरह पे जा रहे हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बंदी को बहुत पसंद आएगा। सो गाइस ये था हमारा विलन का लिमिटेड एडिशन एंड इसकी जो ओरिजिनल MRP है गाइस वो है 999 रुपीज एंड ये जो मुझे मिला है Amazon पे 679 रुपीज पे, लाइक काफी मुझे ऑफर रेट पे मिल गया। आप भी Amazon से इसको ले सकते हैं और अभी ये रिसेंट लॉन्च हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस हाई है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका प्राइस लो होता जाएगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा इस परफ्यूम का रिव्यू, आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आ रहा हो। आई हैव अ लॉट्स ऑफ वेरिएंट इन अ विलन परफ्यूम, तो यदि आपको कंपैरिजन वीडियोस देखनी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कंपैरिजन वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगी। एज वेल एज यदि आपको किसी दूसरे परफ्यूम का रिव्यू देखना है या फिर विलन की किसी और दूसरे वेरिएंट की रिव्यू देखना है तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। एंड इस चैनल पर सबके विशेष पूरे किए जाते हैं, जो भी आपकी रिकमेंडेशन होती है वो जरूर पूरा किया जाता है। सो मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए गाइस जो कि है हमारा मोटिव। एंड बाय।